नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न नहीं पूछे थे, तो आज मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ। कमेंट में मुझसे प्रीतम पांडे जी ने पूछा है कि मेरी पुस्तक की PDF उपलब्ध हो जाएगी क्या। तो प्रीतम जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही जल्द मैं अपनी पुस्तक का PDF वर्जन आपको उपलब्ध कराऊँगी। प्रांजलि सिंह जी कह रही हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तो प्रांजलि जी अभी रामचंद्र शुक्ल को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी विधिवत आपको अध्ययन कराऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए, आपकी हिंदी की इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी यदि आप उबे नहीं तो, कि आपको फिर हिंदी में किसी भी परीक्षा में घबराहट नहीं होगी। श्रीम जी थैंक्स बोल रही हैं, थैंक यू श्रीम जी। पूजा जी कह रही हैं अच्छा पिछले वीडियो के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाई, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। अनु पांडे जी थैंक्स बोल रहे हैं, वेलकम सर। उपदीप जी कह रहे हैं क्वेश्चन सीरीज, उपदीप जी थोड़ा सा आप मुझे समय दिए, मैं आपको इतनी अच्छी क्वेश्चन आंसर सीरीज की व्यवस्था कर रही हूँ कि आप खुद का स्वयं का आकलन भी कर पाएंगे, उसमें आपको अपने प्रश्नों के कितना आप कर पा रहे हैं उसके नंबर भी पड़ता चलेंगे, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये भी पता चलेंगे। थोड़ा मुझे समय दें, मैं बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही हूँ आपके लिए कि आप ये वाले वीडियोज़ देख के सीरीज कंप्लीट कर लेने के बाद रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से कहीं भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, पर थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा साथ बनाए रखिए अपना। हिंदी MBH जी कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू सर। पवन शर्मा जी फ़ोन नंबर, अच्छा मैं अपना फ़ोन नंबर आपको दे दूंगी। दीपाली यादव जी फर्स्ट लाइक एंड कमेंट, थैंक यू वेरी मच दीपाली जी। लक्ष्मी कुमारी जी इसके आगे का वीडियो नाटक विकास के चरण, लक्ष्मी जी पूरे वीडियो सीरीज मेरी उसमें पड़ी है और ये तो मैंने अपनी बुक से डाल दिया था। मैं देख लेती हूँ, अगर होता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। एज यूजुअल अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब चलते हैं हम आगे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी रामचंद्र शुक्ल जी की बुक ख़त्म करनी है और आगे बढ़ना है ना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे वहाँ पे भी आपको हिंदी साहित्य के बुक में से एक का गहन अध्ययन होना चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इसलिए वो लोग जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी तुलसीदास जी यद्यपि रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी, है ना, यद्यपि रामानंद जी की शिष्य परंपरा द्वारा, मतलब रामानंद जी के शिष्य फिर उनके शिष्य पूरी परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में ही राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश ये है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिसने हिंदी काव्य को हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किया हुआ। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किससे मान रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी से, है ना। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा ये अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और उनके रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता है। कभी नंददास कृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है, जिसमें श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे। नंददास के हृदय नयन को खोले सोई
और कवि सूरदास जी के द्वारा तुलसी की स्तुति में ये पद प्रकाशित होता है। धान्य भाग मम संत शिरोमणि चरण कमल तक आयु दया दृष्टि ते मम दिशहेरु तत्व स्वरूप लखायु। ठीक है, कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम संशय सूल नसायु। इस पद के अनुसार सूरदास जी का कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं तुलसीदास जी ने दूर किया। ठीक है, सूरदास जी तुलसीदास जी की अवस्था में बहुत सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले ये एक प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे शुक्ल जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो बता रहे कि अयोध्या में एक बड़ा निपुण दल है, वो समय समय पर इस तरह के पद और पुस्तकों को सामने निकाल के कहीं से ले आता है, मतलब उसमें सत्यता कितनी है इस चीज का किसी को भान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पद निकाल के बाहर प्रकट किए हैं उसमें कहा जा रहा है कि सूरदास जी का जो भ्रम था, ज्ञान जनित भ्रम था, कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम, वो वल्लभाचार्य जी ने नहीं तुलसीदास जी ने दूर किया था। और जबकि सत्य क्या है कि तुलसीदास जी से सूरदास जी अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले ही प्रसिद्ध भक्त हो गए थे। ठीक है, ये दोनों पद गोसाई चरित्र से मेल में आते हैं, अतः मैं इनका उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं। यह बात माता प्रसाद गुप्त अपनी कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहर्यानंद और नरहर्यानंद के गुरु का नाम अनंतानंद। ठीक है, प्रिय शिष्य अनंतानंद हते नरहर्यानंद सुनाम छते, असंगत ठहरता है। क्यों? अनंतानंद और नरहर्यानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते थे। तपसी शाखा में ये बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथिवार आदि ज्योतिष गणना के अनुसार तो सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसीदास जी के संबंध में चली आ रही हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी पूर्वक इसकी रचना हुई है, पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित करती है। यह है सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, देखिन तिरसित दृष्टि ते सब जाने किन्ही यही संकरम, दिव्या सर सो लिख्यो पढ़्यो धुन सुने सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, ये पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रू द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पहल ब्रह्म समाज में, फिर बांग्ला में और हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। यह हम अपने काव्य के में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। ठीक है, यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो व्रत दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध रहे हैं, मतलब बहुत सावधानी पूर्वक रही है लेकिन फिर भी उसमें ये सत्यम शिवम सुंदरम वाला जो पद है वो ये सिद्ध करता है कि ये बाद में बनाकर प्रकट की गई है, बाद में लिखकर। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका में ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुक्त इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी, उसके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी ने का लिखा तुलसी चरित कहा जाता है। ये कहाँ तक प्रमाणित है कहाँ नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर कुछ बहुत विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार
गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबे पूर्वा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे और पूर्वज पत्योजा ग्राम से यहाँ आए थे। पर बाबा रघुवर दास की तुलसीदास चरित में लिखा है कि सरवर में मझौली से 23 कोस दूर कसिया ग्राम में गोस्वामी जी ने के प्रपितामह परशुराम मिश्र जो गाना मिश्र थे वो रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुंचे और उसी ओर राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए और उनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। ठीक है, दोनों चरितों में गोस्वामी जी का जन्म संबत 1554 दिया हुआ है। बाबा मेनी माधव दास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि भी दी हुई है, पर इस संबत को ग्रहण करने पर तुलसी जी की आयु 126-27 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संबत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार संबत 1589 मानते हैं। इसी सबसे पिछले संबत को डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है। इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरितों में पाया जाता है और सर्वमान्य है। तुलसी पराशर गोत दुबे पतियौजा के यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आ रहा है और पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। माता के नाम का प्रमाण में रहीम का ये दोहा कहा जाता है। ठीक है, सुरतीय नरतीय नगतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये किसका दोहा है? रहीम दास जी का, याद रखिएगा। किसके लिए है? तुलसीदास जी के लिए है। ठीक है, तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है कि मातु पिता जग जाए तज्यो विधिहु न लिख्यो कछ भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य है, जनक जननी तज्यो जनमी कर्म बिन विधिहु सज्यो अवडेरे तथा तनु ज्यो कोटिल कीट ज्यो तज्यो मात पिता हूँ। इन वचनों के अनुसार ये जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित में लिखा है कि जब गोस्वामी जी उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुँह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया और वह उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार ना किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नर हरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम की कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु बाबा नर हरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहां पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांत दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रमेढ़ कर दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी मातृभूमि राजापुर लौटे, पर इनके परिवार में वहाँ कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था। यमुना पार के एक ग्राम में रहने वाले भरद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए।
यम द्वितीया को सॉरी राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसी जी की विद्या विनय और सील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उससे जा मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे, लाज ना आवती आपको दौरे आयम साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थ चर्म मा देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम मा होती न तो भव भीति। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वो तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियदास जी ने भक्तमाल में अपनी टीका में दिया है और तुलसी चरित और गुसाई चरित में भी इसका उल्लेख है। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में और फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी रामेश्वर द्वारिका होते हुए बद्रिकाश्रम गए। वहां से ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहां अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इससे अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया। याद रखिएगा 2 वर्ष 7 माह, ठीक है, पूछा जाता है। वैसे तो ये सबको याद होगा, रामायण का कुछ अंश विशेषता किष्किंधा कांड काशी में रचा गया, पूछा जाता है ये, है ना। ये एक तो इसका रामचरितमानस का समय और किष्किंधा कांड कहाँ रचा गया, काशी में रचा गया, पूछा जाता है। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहां अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनका वाद हुआ था और ये प्रसन्न होकर इनकी स्मृति में और उन्होंने जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में उन्होंने यह श्लोक उन्होंने कहा था, ठीक है। आनंद कानने कश्चिज छमस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, और अब्दुल रहीम खान खाना किसके समय में थे, अकबर के समय में, महाराज मान सिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम से इनके समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके बड़े स्नेही और भक्त भदेनी ने एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु होने पर इन्होंने कई दोहे कहे। टोडर मल ये भी अकबर के नवरत्नों में थे। देख लीजिए इनके बारे में क्या कहा था, 4 गांव को ठाकुरो मन को महामहिप, तुलसी या कलिकाल में अथ टोडर दीप, तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भार, टोडर कंधा नहीं दियो सब कही रहे उतार। राम दाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबो मीत पुनीत बिन यही जानी संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग ये दोहा कहा करते हैं। ये टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने कहा था और तुलसीदास जी की मृत्यु पर ये दोहा कहा जाता है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला पंच सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। पर बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार कर दी गई है, श्रावण कृष्णा तीज सनी, तुलसी तज्यो शरीर।
यही ठीक तिथि है क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम पर सीधा करते हैं। मैं पुनीत निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत को लेकर लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिला के सोरो नामक स्थान तक सीधे पश्चिम दौड़े हैं। पहले पहल उस ओर इशारा स्वर्गीय सीताराम जो राजापुर के थे अयोध्या कांड के स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया। उनके उसके बहुत दिनों पीछे इसी इशारे की दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरों को जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है सूकर क्षेत्र, जो भ्रम में सोरों समझ लिया गया। सूकर क्षेत्र गोंडा जिले के सरयू के किनारे एक पवित्र स्थान है, जहां आसपास कई जिलों के लोग आकर स्नान करते हैं और मेला लगता है। जिन्हें भाषा की पकड़ है उन्हें देखते ही देर ना लगेगी कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं, केवल दो स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिलें तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहां उनकी कुमार अवस्था बीती। सर्वरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या गोंडा बस्ती के आसपास के थे, जहां उनका जाना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वो अयोध्या में ही रहने लगे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं, जो अयोध्या के आसपास ही यानी बस्ती गोंडा आदि के कुछ भागों में बोले जाते हैं। जैसे माहुर, माहुर माने विष, सरों मतलब कसरत, फहराना या फरहराना मतलब प्रफुल्ल चित्त होना। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सरों कर रही पायक फहराई, ठीक है। फुर माने सच, अनभल ताकना मतलब बुरा मानना। ये कहाँ आया है? जेहि राउर अति अनभलता का, राउर राउर राउरे ही मतलब आपको। ये कहाँ से पता चलता है? भलो कहा तो दुख राव राउरे ही लागा, रमा लही रमा ने पाया। प्रथम पुरुष स्त्री बहुवचन उदाहरण क्या है इसका? भरी जन्म जे पाए ना ते परितोष उमा रमा लही। कूटी माने दिल लगी या उपहास। इस प्रकार के ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बाघेल खंड में ही बोले जाते हैं, जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी या अवधी है। कुराएं वे गड्ढे जो करेल पोली की जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। काट कुराएं लपेटन लोठन ठावे ठाव बझायूरे, ठीक है, ये विनय पत्रिका का है। सुआर मतलब सूपकार या रसोइया। ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज रही है, यह तो निश्चित है। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, भूषण, मतिराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे और ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, पर पूर्वी हिंदी या अवधी के संबंध में यह बात नहीं कही है। अवधी भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए हैं सब अवधिया पूरब के थे। किसी पछाई कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधि पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके। जो बराबर सोरों
की पचाही बोली यानी ब्रज बोलता आया हो वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल किसी ठेठ अवधि लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण ऐसे के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसा ऊपर दिखाए गए हैं। भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में श्री राम या कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। जिस स्थान पर ऐसा हुआ है वही कवि के निवास का स्थान का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग के चित्रकूट जाते हुए राम यमुना पार करते हैं और भरद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम सीता तट पर लोगों से बातचीत हो रही है कि ते अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लग बयस सुहावा कवि अलसित गति शेष विरागी मन क्रम वचन राम अनुरागी। है ना, सजन नयल तल पुलकित निज इष्ट देव पहचान परे दंड जिम धर नितन दशा नचाई बखान। यह एक तापस आता है, कब जाता है, कौन है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को तापस रूप में राम के पास पहुंचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे अर्थात राजापुर के पास। सूरदास जी ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है। ये तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूर सागर के दशम स्तंभ कंद के आरंभ में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को दाढ़ी रूप के रूप में नंद के द्वार पर पहुँचाया है। नंद जो मेरे मन आनंद भयो हो गोवर्धन ते आयो तुम्हरे पुत्र भयो मैं सुन के अति आतुर उठी धायो। जब तुम मन मदन मोहन करी टेरो यह सुन के घर जाऊं हो तो तेरे घर को ढाढ़ी सूरदास मेरो नाऊ। सबका सारांश ये है कि तुलसीदास जी का जन्म जो राजा प्रसपुर प्रसिद्ध चला आ रहा है वही ठीक है। एक बात की ओर ध्यान जाता है तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती हैं उसमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद की परंपरा में उन्हें रामानंद में परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नर हरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वे कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास जी स्मार्त वैष्णव थे। गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हिंदी काव्य के क्षेत्र में चमत्कार ही समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। ध्यान रखिएगा, हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में ही दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपनी संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास जी ने चलती बोली में अपनी वाणी कही पर वे बोली बैठ गाने की थी, उसका कोई नियत रूप नहीं था। सौर सैनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था
उससे कबीर का लगाव ना था। उन्होंने नाथपंथियों की साधुकड़ी भाषा का व्यवहार किया जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका यह कारण है कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुण पंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों का मनमाना प्रयोग मिलता है। उसका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब इसके आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, प्रश्न मैं कल से पूछना शुरू करूँगी। आज थोड़ा सा क्षमा चाहूँगी आपसे, कल से मैं प्रश्न पूछना शुरू करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।